नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजा भैया एक बार फिर किसानों की आवाज को उठाने के लिए आगे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज ऐसा देश में क्या हो रहा है कि हर बार किसान को आंदोलन करना पड़ता है। आखिर कब नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए आवाज उठाएगी। आपको बता दें कि किसानों के मसीहा बने राजा भैया हमेशा से ही किसानों के पक्ष में बात करते हुए आए हैं। राजा भैया ने तमाम आंदोलन भी किसानों के लिए किए हैं। एक बार फिर उन्होंने आवाज उठाई है कि आखिर भारत के किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों काम नहीं करती है। आखिर भारत के किसानों को जो है लगातार मूल्य क्यों नहीं दिए जाते हैं। भारत के किसान और गरीब क्यों होते चले जा रहे हैं। राजा भैया ने लगातार कहा है कि अगर मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ कामयाब नहीं हो सकती, अगर मोदी सरकार किसानों के लिए जो है मूल्य नहीं दे सकती, तो हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क पर आएंगे, लेकिन किसानों की आवाज को नहीं दबने देंगे। यहां पर राजा भैया ने साफ तौर पर कहा है कि RSS और BJP दोनों मिलकर कहीं ना कहीं किसानों के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं सहा जाएगा। आपको बता दें कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर हजारों की संख्या में जो है किसान जुट गए हैं। इस बार किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से अलग अलग राहत उपायों की मांग को लेकर किसान गर्जना रैली के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। और इसी को लेकर राजा भैया ने लगातार जो है सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसान क्यों जो है आंदोलन करते हैं और सरकार इन किसानों की आवाज़ को क्यों दबाती है। आयोजकों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ यानी कि BKS द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है कि अगर सरकार ने समय पर किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि देश भर से किसान बसों, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों से रामलीला मैदान पहुँच रहे हैं और लागत के आधार पर अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं। ठीक यही सवाल राजा भैया ने खड़ा किया है कि आखिर किसानों के फसलों के लिए दाम क्यों नहीं दिया जाता है। आखिर जिस अन्न को हम खाते हैं, जो अन्न किसान हम तक पहुंचाते हैं, उस अन्न का पैसा और मूल्य किसानों तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता है। राजा भैया ने साफ तौर पर कहा है कि जब हम किसी जैकेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो ₹1000 ग्राहक दे देता है, लेकिन जब हम आलू खरीदने जाते हैं तो 15 रुपए किलो का आलू 10 रुपए किलो खरीदने की बात करते हैं। आखिर अन्न पर ही पैसा क्यों घटवाया जाता है। राजा भैया ने साफ तौर पर कहा है कि फसलों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे किसानों को उनकी मांग देना चाहिए और किसानों को उनके अन्न का मूल्य मिलना चाहिए। आपको बता दें कि किसानों ने सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पर GST को वापस लेने और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति देने का आह्वान किया है। वे PM किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए भी केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। यही बात है कि राजा भैया लगातार कह रहे हैं कि किसान जो लगातार देश के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सेवा करना चाहिए और सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को PM किसान योजना के तहत जो है किसानों का पैसा बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बार जो है 6000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, इस 6000 रुपए को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि हमारे देश का किसान खुश रह सके। राजा भैया की इस टिप्पणी को लेकर आप कितना खुश हैं और राजा भैया ने जो बात कही है क्या वो बात सार्थक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 News।